नमस्कार दोस्तों, गांव के हर घर को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर तक फाइबर इस स्कीम को शुरू किया है। इस स्कीम की शुरुआत बिहार से होगी। बिहार के 45,945 गांवों को अगले 100 दिनों में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस योजना में रखा गया है। इससे पहले कि मैं आपको आगे की जानकारी दूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने अगले 1,000 दिनों में देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की घोषणा कर दी थी। इस घोषणा की शुरुआत अब जाके शुरू हुई है और इस योजना का नाम घर तक फाइबर रखा गया है। इसे सोमवार से ही शुरू कर दिया गया है और सोमवार से ही प्रधानमंत्री की इस घोषणा पर अमल भी किया जा रहा है। ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ने से गांव के लोग इंटरनेट की सुविधा के लिए ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके तहत उन्हें काफी अधिक स्पीड में इंटरनेट की सुविधा मिलने वाली है। भारतनेट, जो भारत सरकार का ही एक प्रोग्राम है, उसके तहत लगभग 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया है। और अब जैसा कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को इस योजना की शुरुआत की है, उसके तहत अब सभी बाकी गांवों को भी ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने के लिए कार्यक्रम चालू कर दिया गया है। घर तक फाइबर पहुंचाने के काम में स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी SPV की भूमिका निभा रहे कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC के रूप में भी, जिसे आप जानते होंगे, उसके CEO दिनेश त्यागी ने ये बताया है कि ग्राम स्तर के उद्यमों की मदद से हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया जाएगा। CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर के CEO दिनेश त्यागी ने ये कहा है कि ग्राम स्तर के उद्यमों की मदद से हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया जाएगा। अब ये ग्राम स्तर के उद्यमी कौन है? आपने अपने गांव में या जिला में CSC सेंटर या फिर डिजिटल सेवा सेंटर देखा होगा, तो उसमें कार्य करने वाले CSC वियली ही CSC के ग्राम स्तर के उद्यमी कहलाते हैं। उन्हीं की मदद से इस ऑप्टिकल फाइबर के कार्यक्रम को जल्द से जल्द पूरे गांव में और जिन गांव में इंटरनेट की सुविधा नहीं है वहां तक पहुंचाया जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि CSC इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। वहीं भारत नेट कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच गई है और जो गांव इससे छूट गए हैं या बाकी हैं, उन गांव में भी जल्द से जल्द ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का काम किया जाएगा। CSC के CEO दिनेश त्यागी ने यह भी बताया है कि बिहार के सभी गांवों को सोमवार से ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का काम शुरू हो जाएगा और अगले 100 दिनों में यह काम पूरा कर लिया जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर के हर गांव में पहुंचने से गांव का विकास तेजी से बढ़ने लगेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गांव के घरों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होने से गांव में भी ई कॉमर्स, ई शिक्षा यानी कि इंटरनेट से पढ़ाई की सुविधा, इसके अलावा ई फार्मेसी, कॉल सेंटर, ऑनलाइन बैंकिंग जैसी सुविधाएं शुरू हो जाएंगी। किसान गांव में रहते हुए ई हाट पर अपने सामान बेच सकेंगे। इसके अलावा ग्रामीण उद्यमियों को नए बाजार के अवसर मिलेंगे। इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर भेजिएगा। मिलूंगा मैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।